नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब आपका घर स्वर्ग जैसी होगी, क्यों दोस्तों आपके घर में एक अद्भुत देवी का पैर आ चुका है। जी दोस्तों, और यश में आपके लिए बहुत ही बड़ा सावधानी पूर्वक समय रहने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप दोबारा यह गलती बिल्कुल ना करें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हम जाने जाने में अपने जीवन काल में कई सारी सीरी गलतियां कर देते हैं, जिसे दोस्तों हमारे जीवन काल से देवी देवताओं का वास हट जाता है। जी दोस्तों, और जब भी हम अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब दोस्तों फिर से देवी देवताओं का वास हमारे जीवन काल में होते हैं। जी दोस्तों, और यश में भी आपके जीवन काल में आपके अच्छे ही कर्म है, जो कि यह देवी आपके जीवन काल में आई है और अब आपके जीवन काल में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यश में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये दोस्तों उससे पहले सर्वप्रथम जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन काल में सदैव रहेगा। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आपको कौन सी गलतियां अब अपने जीवन काल में नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी चीज अगर आपके घर पर आते हैं, आपके द्वार पर आते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले उनको धुतकारें ना, ना ही दोस्तों आप उनका अपमान करें। जो दोस्तों घर में आए कोई भी अतिथि भगवान के शत्रु होते हैं, तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले दोस्तों जितना आपसे हो सके आप उनका सम्मान करें, आप दान करें जितना आपसे हो सके, जितना आप रुचि रखते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, और यश में भी आपके जीवन काल में यह देवी का पैर आपके घर आ चुका है, तो दोस्तों आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है, तभी दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ईश्वर का वास रहेगा और आपके जीवन काल में फिर से खुशियों से घर परिपूर्ण रहेगा। जी दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में किसी के भी साथ घर में खासकर स्त्रियों के साथ अभद्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इनसे दोस्तों मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में आई धन भी चले जाते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि किसी के भी साथ आप अभद्र शब्द का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों इन गलतियों को अब आपको नहीं करना है। ये दोस्तों या देवी का वास आपके जीवन काल में हमेशा रहेगा। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि यह देवी का चरण आपके घर आ चुका है और अब आपको आपके जीवन काल में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में इनका क्या क्या प्रभाव होगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यशोमय, आपके धर्म तथा अध्यात्म के प्रति आस्था आपको वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगी। दोस्तों आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे तथा बाहरी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाप पर भी आपको अधिक ध्यान यश में रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके लिए कुछ फायदेमंद स्थितियाँ भी बन रही है और इनमें आप अच्छी सफलता को भी प्राप्त करने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियां भी आ सकती है, परंतु दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उनके मनोबल में कमी आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपने अभी तक अब कड़ी मेहनत द्वारा अपना स्थान निर्माण किया है, दोस्तों यह स्थान को बनाए रखने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों आपकी जीत की वजह से परिवार के कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाना, इन बातों की वजह से रिश्तों में आ रहे तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आर्थिक मामलों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय लाभ संबंधी ग्रह स्थितियाँ भी बनी हुई है, क्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सफलता और उपलब्धि हासिल यश में करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान व फिर आत्मबल यश में बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने गुस्से व फिर चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखना चाहिए, कभी कभी इसकी वजह से आपका स्वभाव जिससे होगा कि आपको कुछ दिक्कतें भी खड़ी कर देंगी। दोस्तों आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि दोस्तों आपकी समस्या की जड़ यही हो सकता है।
और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि अभी तक बर्बाद किए वक्त और ऊर्जा की वजह से यीशु में आपको पछतावा भी होगा, लेकिन दोस्तों जो बातें हो गई है उन बातों पर अधिक ध्यान न देते हुए आपको बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप योजना ठीक तरीके से बना रहे हैं, लेकिन योजना पर टिके रहने के लिए आपकी इच्छा शक्ति कम हो रही है। इसलिए दोस्तों यीशु में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके बाद दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क की दायरा भी यीशु में बढ़ने वाले हैं। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी लाभदायक मुलाकात होंगी। घर में धार्मिक कार्य संपन्न होते और योजना भी बन सकती है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ना आपको इसमें खुशी और सुकून दोनों देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें कभी कभी कोई नकारात्मक बातें भी आपके ऊपर हावी होने की वजह से मनोबल में कमी आएगी, तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों अपने स्वभाव को इसमें पॉजिटिव बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कोई भी कार्य करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अन्यथा जो है समय हाथ से भी निकल सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको बता दें कि आपको मिले अनुभव द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना है यह बात आपको अच्छे से पता है, और दोस्तों इसी बात का फायदा इसमें उठाते हुए आप पुराने रिश्तों में बदलाव भी ला पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रिश्तेदारों के साथ हो रहे मनमुटाव को मिटाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, और इसमें आपकी कोशिश भी कामयाब रहेंगी। और इस उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि संतान संबंधी कोई भी शुभ समाचार यशमी में आपको मिल सकता है। दोस्तों हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो आप सभी समस्याओं का हल भी प्राप्त करेंगे और काम में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे यशमी आपके पास आएंगे और आपको जो है अच्छे साबित करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यशमी उनके संबंध भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि यशमी दिखाव के चक्कर में आप अधिक खर्चा कर सकते हैं, इनसे आपको यशमी बचना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि किसी से अगर कोई वादा किया है या फिर किसी को आपने कुछ वचन दिया है तो दोस्तों इन्हें अवश्य पूरा करें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जो मौके आपने गलती से खोए थे वही मौके फिर से आपको प्राप्त होंगे। इस बार दोस्तों आपको अधिक जागरूकता दिखाकर मिले हुए अवसर को फायदा में बदलना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बने हुए जो भी नकारात्मक दृष्टि है इन्हें दूर करने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप इनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों योग मार्गदर्शन के साथ अपने जो है प्रयत्न में जारी रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, और दोस्तों इनसे आपको सफलता भी इसमें प्राप्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों साझेदार के व्यवसाय में इसमें वह गति पकड़ेंगे, साथ ही दोस्तों सहयोगियों और कर्मचारियों से भी सहयोगात्मक रवैया रहेगा। लेकिन दोस्तों अपनी योजनाओं को जो है कुछ बदलाव लाने में आप प्रेरित कर सकते हैं, यानी दोस्तों आपको अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव इसमें लाना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशो में नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ऑफिस का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यशो में सारा दिन बाहर की गतिविधियों में भी व्यतीत होगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में उचित सफलता भी इसमें आप हासिल होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें नौकरी में कुछ विस्तार संबंधी योजना भी बन सकती है। नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन या फिर तबादला की स्थिति भी बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों शेयर तथा रिस्क परिवर्तित से इसमें आप दूर रहें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर आपको ध्यान को भी केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए नई योजनाएं बनाने के लिए समय आपके पक्ष में उतना नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में परिवर्तन संबंधी आपको जो भी प्रयास हैं इसमें सफल रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें संतान की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी में तनाव रह सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही कोई सफलता आपको इनमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी इसमें आ सकता है। पारिवारिक वातावरण भी इसमें खुशनुमा बना रहेगा, इसलिए दोस्तों इसमें आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, उनमें आपको समय व्यतीत करना चाहिए।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम संबंधों के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह में परिणित होने का अवसर भी मिल सकता है। बच्चों के जो है अनुशासन में रहने की वजह से घर का माहौल भी इसमें खुशनुमा रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि काम के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी आप अपना सहयोग अवश्य दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवाओं का विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और यश संबंध प्रेम संबंधों में भी जो है तब्दीली यश में हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके सेहत की, तो दोस्तों यश में पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। इसकी वजह से आपको सिर्फ अनियमित खान पान ही नहीं हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन भी लेना